तेलंगाना के हैदराबाद से बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पुलिस ने YSRTP की चीफ और आंध्र प्रदेश के CM जगन मोहन रेड्डी की बहन YS शर्मिला की कार क्रेन से उठवा ली। हैरान करने वाली बात यह है कि जब उनकी कार को पुलिस ने क्रेन से उठवाया तब वो कार के अंदर ही बैठी हुई थी। दरअसल YSRTP चीफ तेलंगाना के CM के आवास का घेराव करने जा रही थी और वो उसी कार में थी जो सोमवार को वारंगल जिले में TRS समर्थकों के कथित हमले में डैमेज हो गई थी। उसी हमले के विरोध में शर्मिला खुद कार चलाकर प्रगति भवन की ओर बढ़ रही थी। जब शर्मिला अपने समर्थकों के साथ राजभवन रोड स्थित यशोदा अस्पताल के पास पहुंची तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। YSRTP कार्यकर्ताओं ने KCR सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने की कोशिश की, पुलिस ने YSRTP कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। लेकिन शर्मिला ने कार से नीचे उतरने से इनकार कर दिया और खुद को कार के अंदर ही बंद कर लिया। पुलिस ने कार का लॉक तोड़ने की कोशिश की लेकिन जब लॉक नहीं खुल पाया तो पुलिस ने शर्मिला को कार सहित क्रेन से टो कर लिया। इसके बाद उन्हें SR नगर पुलिस स्टेशन भेज दिया। YSRTP के विरोध मार्च में वो बस यात्रा भी शामिल थी जिस पर सोमवार को TRS कार्यकर्ताओं ने पथराव किया और आग लगा दी थी। YSRTP ने आरोप लगाया कि TRS के लोगों ने पद यात्रा पर अंधाधुंध हमला किया, पथराव किया और बस को जला दिया, गंदी भाषा का इस्तेमाल किया और बैनर और पार्टी के झंडे फाड़ दिए। पुलिस ने बाद में शर्मिला को इस आधार पर गिरफ्तार कर लिया कि क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए उनकी सलाह के बावजूद वो पैदल मार्च जारी रखे हुई थी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।